अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू रेशमास कलिनरी डिलाइट। ये है बोमबिल, सूखा बोमबिल। उसका आज मैं चटनी बना रही हूँ। देखिए कैसे बनाते हैं। ये मैंने बर्तन ले लिया है, इसमें मैं ऐड करूँगी तेल। इसमें मैंने ऐड किया है तेल। तेल गरम होने के बाद इसमें ऐड करना है चिल्ली, हरा मिर्ची ऐड करो, अभी ऐड करेंगे इसमें ऑनियन जो मैंने स्लाइस करके रखा है। ये दो बड़ा ऑनियन है जिसको मैंने स्लाइस करके रखा है, सिर्फ पतला पतला इसको काटना है या तो स्लाइसर से स्लाइस कर दो। दो बड़ा ऑनियन है, ऑनियन को भून लेना है अच्छे से। आंदा मेरा ब्राउन हो चुका है, अभी मैं इसमें आधा चम्मच लहसुन का पेस्ट डालती हूँ और इसे मिक्स करके ले लूँगी। जब लहसुन का जो कच्चापन है वो निकल जाएगा तो उसके बाद बता दें। लहसुन और कांदा अच्छे से भुन चुका है, अभी ऐड करेंगे इसमें टमाटर। एक बड़ा टमाटर को मैंने ऐसे छोटा छोटा चॉप करके रखा है, वो ऐड कर देंगे। टमाटर डाल दिए ना, अभी ऐड करना है इसमें हल्दी और नमक। नमक टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिए और मिक्स कर लीजिए अच्छे से। देखो मेरा टमाटर भुन चुका है, अच्छे से मैश हो चुका है। अभी इसमें ऐड करूंगी मैं ये सूखा बोमबिल का टुकड़ा। इसको धो के रखा था मैंने दो तीन टाइम, इसको अच्छे से पानी में से धो के रखा था। अब इसको ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, अभी इसको स्लो चूल्हे पे ढक्कन बंद करके 5 मिनट के लिए पका लेंगे। मगर बीच बीच में मिक्स करते रहना इसको। तैयार हो चुका है मेरा सूखी मच्छी का चटनी। देखो आप कितना बढ़िया दिखता है, बहुत टेस्टी रहता है बना के। देखिए आप एक बार ट्राई कीजिए घर पे, बहुत ही टेस्टी रहता है सूखी मच्छी का चटनी। इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं, दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं। ये बोमबिल मच्छी है ना, इसमें दूसरा भी सूखी मच्छी का टुकड़ा आता है वो भी डाल सकते हैं। देखो कितना टेस्टी लगता है खाने के लिए, बहुत टेस्टी रहता है। प्लीज़ ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।